vibe right. Don't feel like having a bad life. वेलकम टू हसवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त से आलू, या आलू का जो सालन है ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े तो बहुत कम ही खाते हैं, शौक़ से बहुत कम लोग होते हैं जो आलू बड़े पसंद करते हैं, मगर ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तीन मैंने दरमियाने साइज़ के, छोटे साइज़ के थे मेरे पास आलू, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तीन आलू लिए हैं मैंने, इनका भी सालन बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसके बाद मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने ये चॉप कर लिया। दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इस साइज़ के दो टमाटर लिए हैं। शिमला मिर्च लिए हैं मैंने, कड़ी पत्ता है मेरे पास, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ज़ीरा है, और ये मेरे पास मिर्चें हैं लंबी वाली लाल, अगर आपके पास गोल हैं तो आप गोल भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ये सब जितने भी स्पाइसेस हैं मैंने 1/4 टीस्पून के करीब लिए हैं। सिर्फ धनिया मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ये है मेरे पास चिकन पाउडर, ये है ऑरिगेनो, ये मेरे पास गरम मसाला है, ये मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है जो 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने लिया, हाफ टी स्पून मेरे पास धनिया है, कुटी मिर्च है मेरे पास, और नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हरा धनिया हमें चाहिए, ऑयल चाहिए, तो शुरू करते हैं। ऑयल मैं पैन में रखती हूँ गर्म करने के लिए, और हमें चाहिए दो अंडे। पैन गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, इसमें ये ऑयल डाल दिया है, 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल गया है। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, इसके बाद हमने मिर्चें डाल दी, हल्का सा हम मिर्चों को कड़कड़ाएंगे ज़ीरे को, इसके बाद डालेंगे हम प्याज। अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, हमें प्याज को लाल नहीं करना है, बस हल्के से सोते करेंगे। उसमें डाल देंगे हम टमाटर, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। मैंने कवर कर दिए हैं इसको, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सभी मसाले, मैंने इसमें साथ ही डाल दिए हैं, इनकी हम करेंगे हल्की सी मिक्सिंग, और हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे मसाले को। मसाले की हमारे अच्छी सी भुनाई हो रही है, टमाटर बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, आप चमचे से दबा दबा कर टमाटर को जो रह गए, अगर आपके जूसी टमाटर हैं तो जल्दी हो जाएंगे, वरना सख्त होते हैं तो आपको पानी डालना पड़ेगा, उसमें पानी अगर नहीं होगा तो मसाला हमारा जलेगा। अब बस मैं डाल दूँगी इसके अंदर आलू, इसमें मैं डाल रही हूँ आलू अपने, और इसको कर दूंगी मैं 5 से 6 मिनट के लिए कवर। ये इतने मैंने बारीक काटे हैं, आप देख लें कितने बारीक कटे हुए हैं, तो ये 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे। इतने हमारे आलू हो रहे हैं, मैं अंडे को करती हूँ सेपरेट, क्योंकि हमें जर्दी और सफ़ेदी करनी है अलग इसकी। आप चाहें तो अंडे और भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं अंडे। ये देखें, मैं इसकी जर्दी जो है निकाल दूंगी एक तरफ, बहुत अच्छा करना है हमें। ये देखिए इतना फोमी मैंने कर लिया है, ये बिल्कुल फोम की तरह से हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं हुआ जैसे हम केक का करते हैं, मगर ये है कि मैंने काफ़ी हद तक अच्छा कर लिया है इसको। आलू हमारे अच्छे से हो चुके हैं, देखिए ये गल गए हैं, आराम से टूट रहे हैं, जो इसका पानी था आलू का और टमाटर का वो भी खुश्क हो चुका है। बाज़ आलू ऐसे होते हैं कि वो नहीं गलते हैं, तो आप इसमें लाजमी पानी डालें वरना मसाला नीचे से लगेगा। अब मैं डालूँगी इसमें अंडे, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेदी जो मैंने बनाई थी, देखें कितनी फोमी बनी थी ये, इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये जो जर्दी मैंने बचाई थी। अब हम इस पे डाल देंगे अपने टमाटर,
आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है ये चीज़ ही। थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे हम बस। चलें जी, हमारा ये रेडी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत मज़े का बे इंतहा लजीज ये आलू बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, ब्रेड में लगा के या चपाती में रोल के लिए भी ये बेस्ट होते हैं। आप उसमें ऑयल कम लें तो बहुत मज़े के लगते हैं, वरना ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तो उस वक्त तक ले लाफिज़।